तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे पे। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, वो मारुति और हुंडई के नाक पे दम करके बैठी हुई हैं। जी हाँ, और उसमें से जो सबसे खास प्रोडक्ट आता है वो है अपना टाटा पंच। टाटा पंच को लेकर जो मारुति और हुंडई के जो फैन हैं, वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये टाटा पंच ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, या फिर ज़्यादा दिन ये टिकने वालों में से नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतने कम समय में लगभग 70,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है अभी तक में टाटा पंच। और आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये बताऊंगा कि मई 2022 में टाटा पंच कितनी सेल्स हुई है, कितनी बिकी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये इतना बड़ा तमाचा होगा मारुति और हुंडई के फैंस के ऊपर, जिन्होंने इतना सारा नेगेटिविटी फैलाया, और वो लोग ये भी कह रहे थे कि टाटा पंच ज़्यादा दिन चलने वालों में से नहीं है, ये गाड़ी सिर्फ सेफ्टी के नाम पर बिक रही है। तो दोस्तों, चलिए इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, और चलिए अब हम जानते हैं कि कैसा रहा टाटा पंच का मई 2022 में सफ़र और कितनी बिकी, हम आपको इस वीडियो में अब बताते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा, और अगर आपके पास भी है टाटा पंच या फिर आप भी हैं टाटा मोटर्स के फैन, तो ये आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी भी महसूस होगी। तो दोस्तों, अपनी टाटा पंच जो है वो ब्रेजा से लगभग 100 ही के पीछे चल रही है, जो कि अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसी महीने ब्रेजा को पछाड़ भी देगी अपनी टाटा पंच। टाटा पंच की अगर हम बात करें तो 10,241 यूनिट बिक चुका है मई 2022 के महीने में दोस्तों। और दोस्तों, लगातार यही नंबर मेंटेन करते आई है अपनी टाटा पंच, हर महीना यही नंबर पे ऐसे ही गाड़ियां सेल भी हो रही है। और दोस्तों, इतने ही कम दिनों में लगभग से लगभग 70,000 की फैमिली बन चुकी है टाटा पंच, और मुझे तो ये भी लगता है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर 1,00,000 की फैमिली बना देगी अपनी टाटा पंच, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली है टाटा मोटर्स के लिए। तो दोस्तों, आप सब या हम सब या फिर कोई भी जो यूज करता है टाटा पंच या फिर टाटा मोटर्स की गाड़ी, उन सभी को बहुत ही ज्यादा गर्व होगा कि हमने टाटा मोटर्स को ही चुना, और टाटा पंच जो कि सेफ्टी में भी नंबर 1 गाड़ी है और सस्ती भी है। और दोस्तों, आज के डेट में भी अगर इसका बैकलॉग देखेंगे तो लगभग से लगभग 48,000 बैकलॉग पड़ी हुई है। और दोस्तों, वेटिंग रेट के बारे में तो आपको पता ही है, तो दोस्तों आपको किसी को बेचैन होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़े और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोई भी वेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा लीजिए। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।